नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम वीडियोस बनाने वाले हैं। एक हमारा प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें लगातार 25 वीडियोस आएगा, जो 25 स्टेप में हम बताने वाले हैं कि एक कंप्लीट होम का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग से ले के एग्जीक्यूशन तक कैसे करवाना है, स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस के थ्रू आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है, जो पहला स्टेप होता है, वो हमें होता है कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो बिल्डिंग बनवाने वाले हैं वो या तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या तो फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता दूं कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है और फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है। हमारा जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसमें जितना भी बिल्डिंग का लोड आता है ऊपर सरफेस से, जितना भी लोड है वो सारा वॉल में ट्रांसमिट होता है। वॉल के थ्रू वो फाउंडेशन में जाके सॉइल में जाता है। जो भी लोड का ट्रांसमिशन है वो थ्रू वॉल होता है। और जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसमें जो बिल्डिंग का जितना भी लोड है वो स्लैब में आता है, स्लैब से बीम में आता है, बीम टू कॉलम, देन कॉलम टू फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन टू सॉइल में वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर में जितना भी लोड है वो थ्रू फ्रेम से वो ट्रांसमिट हो जाता है, और लोड वॉल स्ट्रक्चर में जो भी है वॉल जो है लोड लेता है। तो हम लोग लोड वॉल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, वॉल का जो थिकनेस है वो 200 mm से कम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोड है वो वॉल पे आएगा और वॉल का थिकनेस हम घटा नहीं सकते हैं। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में हम जो वॉल है वो एक्सटीरियर में हम 10 इंच का दे देंगे, और जो इंटरनल वॉल है उसका थिकनेस हम कम रख सकते हैं, 5 इंच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉल जो है वो पार्टीशन का काम करता है ना कि लोड का। जो लोड है वो कॉलम के थ्रू जाता है, वॉल पे लोड नहीं आता है। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जितना भी लोड है वो वॉल ही लेता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम ओपनिंग ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। ओपनिंग मतलब कि जो मेरा लोड है वो वॉल पे आ रहा है, तो वॉल पे ज़्यादा हम ओपनिंग, जैसे कि विंडो का ओपनिंग हो गया, डोर का ओपनिंग हो गया, और एक्स्ट्रा अगर वेंटिलेशन का ओपनिंग देना है तो ओपनिंग हम इसमें ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा ओपनिंग देंगे तो मेरा वॉल का जो एरिया है वो कम बचेगा, तो वो लोड अच्छे से ले नहीं पाएगा। तो इसी वजह से हम फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ आजकल लोग स्विच करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा वॉल पे कोई लोड नहीं आता। हम अगर चाहे तो पूरे वॉल पे अगर हम ओपनिंग देना चाहे, डोर स्लाइडर देना चाहे, स्लाइडर विंडो देना चाहे, 7 फिट तक का विंडो देना चाहे, तो हम फ्री रहते हैं, हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉल जो है वो लोड नहीं लेता है। लेकिन लोड बेयरिंग वॉल में हम लोग नहीं ये चीज़ कर सकते। और अगर हम बात करें सुटेबिलिटी का, तो अगर आप G+2, G+1 या फिर ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप लोड बेयरिंग दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, इसलिए आप G+2 तक आप लोड बेयरिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको G+3, G+4, G+5 या फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाना है तो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना भी लोड है वॉल पे नहीं आता है, वो कॉलम के थ्रू, एक फ्रेम जो ढांचा जो बनता है, फ्रेम कॉलम बीम स्लैब, वो लोड उसी हिसाब से जाता है। तो एक एक बेनिफिट ये भी है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करने का, कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी वॉल को डिसमेंटल करना हो, अल्टरेशन करना हो, तो आप फ्रीली कर सकते हो, क्योंकि वॉल हमारा फ्री रहता है, लोड उस पर नहीं आता। लेकिन लोड बेयरिंग में आप वॉल को अल्टरनेट नहीं कर सकते। जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें हम इन फ्यूचर अगर चाहे तो वॉल, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा वॉल का लेआउट अलग है, हम फ्यूचर में फर्स्ट फ्लोर का लेआउट अलग कर सकते हैं, बट हम लोड बेयरिंग वॉल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो वॉल आएगा, फर्स्ट फ्लोर का जो वॉल है उसी वॉल पे उसका लोड आना चाहिए, तो हम लोग को वॉल के ऊपर ही वॉल उठाना पड़ता है। तो हम प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं, वॉल के ही ऊपर हम लोग को वॉल देना पड़ता है, ताकि वॉल का सारा लोड वॉल में जाए और ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में हम वॉल को एज ए पार्टीशन यूज़ करते हैं, तो हम कहीं भी वॉल दे सकते हैं, कहीं से भी वॉल हटा सकते हैं। तो ये सब चीज़ में हम फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्री रहते हैं करने के लिए। तो इसीलिए मेरा सजेशन एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट, और हमारा सॉल्वी की तरफ से यही सजेशन है कि आप अपने बिल्डिंग को फ्रेम स्ट्रक्चर में बनवाओ, क्योंकि आप इन फ्यूचर कितने भी हाई राइज बिल्डिंग बनवा सकते हो, कितने भी जो लेआउट है वो प्लानिंग, आप अगर आपका नीचे कमर्शियल प्लान है तो आप ऊपर रेजिडेंशियल प्लान भी बना सकते हो, बट लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉल टू वॉल आपको वॉल देना पड़ेगा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि आप अगर आपका वॉल पे ही लोड आ रहा है तो वॉल का थिकनेस तो आपका ज़्यादा रहेगा,
आप इसमें इंटरनल वॉल 5 इंच दे सकते हो, बट लोड बियरिंग में आप इंटरनल वॉल भी आपको 10 इंच का मिनिमम देना पड़ेगा या फिर 9 इंच आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो इंटरनल रूम का जो स्पेस है, हॉल का जो स्पेस है, वो कहीं ना कहीं मार खाएगा और ओवरऑल आपका जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका ओवरऑल स्पेस इसके मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वॉल पे अगर 5-5 इंच भी हम कम करते हैं तो ओवरऑल स्पेस जो है वो हमको मिल जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में, तो हमारा जो बेस्ट आउटपुट है वो फ्रेम स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि उसमें हम लोग वॉल को कैसे भी कर सकते हैं, डिसमेंटल भी कर सकते हैं, अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और जो हमारा लोड है वो वॉल नहीं लेता है, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर अलग अलग वॉल में दे सकते हैं। तो इसमें हमारा हम बहुत फ्री रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्डिंग में कहीं भी वॉल दे सकते हैं, कहीं भी उठा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं। बट लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम फ्री नहीं रहते, जो वॉल है उसी के ऊपर वॉल जाते जाएगा, तो हमको कहीं ना कहीं प्लान जो हमारा सेम जाएगा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और स्पेस भी हमारा कम हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा स्पेस जो है वो बच जाता है। तो आप भी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जाओ। और एक चीज़ है कि अगर आप फ्यूचर इंटीरियर डिज़ाइन करवाने वाले हो, तो आप वॉल स्ट्रक्चर में ओपनिंग ज़्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो आपका वॉल लोड लेगा, तो ओपनिंग आप नहीं रख सकते हो, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में आप जितना मन चाहे उतना ओपनिंग दे सकते हो, इंटीरियर भी आपका निकल के उसमें आएगा। अगर सपोज आप पूरे वॉल पे ही, अगर आपको वॉल ही वहाँ नहीं देना है, तो आप जो डोर आता है वो दे सकते हो, या फिर अगर आपको सुपीरियर लुक चाहिए तो फ्रंट व्यू में आप अल्मोनियम 7 फीट वाला विंडो आता है वो भी आप दे सकते हो, तो आपका बिल्डिंग एलिगेंट हो जाएगा, सुपीरियर लुक आ जाएगा, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बस एक पॉजिटिव फैक्टर मुझे ये दिखता है कि लोड बेयरिंग में आपका कॉस्ट कम जाता है, बट वो थोड़ा रिस्की है, और इसमें आपका कॉस्ट थोड़ा लगता है, बट आपका बिल्डिंग जो है उसका स्टेबल हो जाता है, वो अच्छे से, वो आपका इन फ्यूचर आई थिंक 50 ईयर तक उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, तो 50 ईयर तक आपका बिल्डिंग का लाइफ लाइन है। तो आप भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अगर बनवाते हो, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ ना जाके फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनाओ है। तो ये वीडियो बनाने का हम लोग का मोटिव ये है कि आप समझ सको कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है क्या और फ्रेम स्ट्रक्चर है क्या, और आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनवाना है। इस वीडियो के डिटेल से आप जान सकते हो कि आपको लोड स्ट्रक्चर बनवाना है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाना है। तो अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, वो अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि हम लोड स्ट्रक्चर तरफ जाएंगे या फ्रेम स्ट्रक्चर तरफ जाएंगे, तो अगला जो वीडियो है वो आपको डिसाइड करना है कि जो मेरा प्लानिंग रहेगा वो मेरा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्लान हुआ है कि नहीं। डिज़ाइन करने का सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।